दिल्ली में आई नई सरकारी शिक्षक भर्ती। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल 100% परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स हैं। सैलरी 80,000 रुपए के आसपास बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको इनमें मिल जाएगी। ऑनलाइन आपको इन पदों के लिए आवेदन करना होगा और आप चाहे किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के निवासी हो, इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। हाँ जी दोस्तों, जॉब लोकेशन आपकी दिल्ली ही रहेगी। दिल्ली की वैकेंसी है, ऑल ओवर इंडिया लेवल से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, बिल्कुल 100% परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स हैं। सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई इनके ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको इस वीडियो में मैं प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखिएगा और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और देख लेते हैं विस्तृत विज्ञापन इस नई सरकारी शिक्षक भर्ती का जो कि दिल्ली में आई हुई है। दोस्तों सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ चलिए। दोस्तों ये रिक्रूटमेंट श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से आ रही है। ऑफिशियल वेबसाइट है spm.du.ac.in। ऑफिशियल वेबसाइट पे ही यहाँ आप जरा सा नीचे आएंगे तो यहाँ नोटिस लिखा हुआ दिखाई देगा और नोटिस में न्यू करके ब्लिंक हो रहा है। हम यहाँ इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आप ये देखिए एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, आप यहाँ क्लिक करेंगे, ये डिटेल नोटिफिकेशन आपके सामने इस प्रकार से डाउनलोड हो जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर पद का नाम है, पे लेवल 10 है, 7 CPC के अकॉर्डिंग आपको इसमें सैलरी मिलेगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25/9/2023 या एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन के 2 सप्ताह के अंदर अंदर जो भी बाद में हो। तो अभी आज 6 सितंबर है, आप 25/9/2023 भी आवेदन करने की अंतिम तिथि मानते हैं तो काफ़ी समय है आपके पास, आप आवेदन कर दीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दर्शाई गई है spm.du.ac.in और ये लिंक है ऑनलाइन आवेदन करने का, ये लिंक आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिल जाएगा। बाकी नोटिफिकेशन में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा नोट और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए गए हैं। उससे पहले पदों का विवरण देख लीजिए, वैकेंसियां काफी कम है। मैथ की 1, कंप्यूटर साइंस 1, कॉमर्स 1, इंग्लिश 1, इकोनॉमिक्स 1, हिंदी 1, फिजिकल एजुकेशन 2, कुल 8 पदों के लिए ये रिक्रूटमेंट आ गई है। जहां तक इनके लिए एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन की बात है आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी ए और बी, या तो एलिजिबिलिटी ए आपके पास हो या फिर एलिजिबिलिटी बी आपके पास हो। एलिजिबिलिटी ए है मास्टर्स डिग्री 55% अंकों के साथ, आपने कर रखे कंसर्न सब्जेक्ट रेलिवेंट या अलाइड सब्जेक्ट में, और उसी के साथ साथ आपका नेट क्लियर होना आवश्यक है। और अगर आपने कर रखी है पीएचडी तो फिर ये आपकी एलिजिबिलिटी बी हो गई है, तो फिर आपको नेट की आवश्यकता नहीं है, आप पीएचडी के बेसिस पे भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना होगा और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और दोस्तों जहां तक एप्लीकेशन फीस की बात है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 500 रुपए एप्लीकेशन फीस है। अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी और वुमेन एप्लीकेंट्स के लिए फीस अगर आपने एक बार जमा करा दी तो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी जानकारी बिल्कुल शॉर्ट में आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई गई। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आवेदन करने से पहले कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा, इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन किया जाएगा और इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स को किस प्रकार शॉर्टलिस्ट किया जाएगा यह सारी जानकारी इस डिटेल नोटिफिकेशन में बिल्कुल विस्तार से दी गई है, आप ध्यान से वो पढ़ लीजिएगा आवेदन करने से पहले। ये देखिए दोस्तों पूरा प्रोसेस दिया गया है शॉर्टलिस्ट का। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।